सूर्य सौरमंडल में स्थित एक तारा है जिसके चारों ओर समस्त ग्रह एवं उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद ही हम इंसानों का पृथ्वी पर वास होता। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके अलावा यह ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है। लेकिन हाँ दोस्तों, सूर्य के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण यह इतना प्रकाश और ताप देता है? आखिर सूर्य कितना बड़ा है और किन पदार्थों से मिलकर बना है? क्या सूर्य ऐसा ही बना रहेगा या फिर इसका भी अंत निश्चित है? हाँ दोस्तों, सूर्य के बारे में जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सूर्य हमें मानव जीवन का आधार है। अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर समस्त पशु पक्षियों, पेड़ पौधा तथा मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सूर्य का निर्माण कैसे और कब हुआ। सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था, जब धूलकण और ठंडे बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, जिसके विस्फोट होने के कारण और बादल के ढह जाने से उसके अंदर मौजूद पदार्थ अलग हो गए, जो कई सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर इसी नेबुला के बीच सूर्य का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसा ही हुआ जो एक तारा के निर्माण में होता है। बाकी जो भी पदार्थ बचे थे वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया और ग्रह एवं उपग्रहों का निर्माण किया। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बना होता है। इसके केंद्र में विशाल दबाव बना रहता है। इसके बड़े आकार होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तब यह दबाव बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न किया और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक नाभिकीय अभिक्रिया है, इस कारण यह क्रिया संलयन अभिक्रिया कहलाई। क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकाश और विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में बड़ी मात्रा निकलती है। यही कारण सूर्य हमें चमकता हुआ नजर आता है। इस क्रिया को होने में प्रति सेकेंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है और इस कदर जलने के बावजूद भी सूर्य में अभी भी इतनी हाइड्रोजन मौजूद है कि यह 5 अरब सालों तक इसी तरह ऊष्मा और प्रकाश में देता रहेगा। इसी हाइड्रोजन के जलने से पैदा हुई ऊष्मा की वजह से ही सूर्य इतना गर्म है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे बाहर आने में लगभग 5 करोड़ साल लग जाते हैं। सूर्य का व्यास 1,92,000 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 109 गुना भारी है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगाता है। पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वो केवल 51% भाग ही है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए जितना लाभदायक है उतना हानिकारक भी है, क्योंकि सूर्य परावैगनी किरणें छोड़ता है जो मानव के सीधे संपर्क में आने पर त्वचा कैंसर का कारण बनता है। इस हानिकारक परावैगनी किरणों को ओजोन परत नष्ट कर देता है और शुद्ध प्रकाश को पृथ्वी की ओर जाने देता है। यही कारण है पृथ्वी पर हानिकारक प्रभाव नगण्य होता है। सूर्य देखने में भले ही पीली नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। पीली रंग होने का मुख्य कारण वायुमंडल की धूलकण है। यह धूलकण सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर पृथ्वी पर भेजती है, जो सूर्य के ताप को कम करने में भी सहायक होती है। हम अब तक जान चुके हैं कि सूर्य के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, पर क्या सूर्य भी किसी के चक्कर लगाता है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सूर्य भी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। यह आकाशगंगा को एक चक्कर पूरा करने में 250 मिलियन वर्ष का समय लगाती है, जो एक सेकंड में लगभग 251 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आखिर सूर्य कब तक इस प्रकार प्रकाश और ताप उत्पन्न करती रहेगी और कब तक इसकी समाप्ति हो जाएगी? क्या सूर्य की समाप्ति पर पृथ्वी का जीवन संभव हो पाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार सूर्य का जीवन काल भी निश्चित है। यह 10 अरब सालों तक ही अपना प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न कर पाएगा, इसके बाद यह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। जैसे ही सूर्य नष्ट होगा, पूरा पृथ्वी बर्फ का आकार ले लेगा और समस्त प्राणी का जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी विनाश हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर सारा जीवन सूर्य पर ही निर्भर है। तो दोस्तों, कैसा लगा सूर्य के बारे में जानकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।